गाइस अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन अभी इस लम्हे का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर हमने लिया मॉल से आने के लिए और भाई ने दे दिया हमको अच्छा लंबा। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी फिर रेडी हो चुके हैं, हमने थोड़ा रेस्ट किया खाना खाने के बाद, और अभी इवनिंग का मैंने सोचा था ग्लो गार्डन जाने के लिए, लेकिन वो क्लोज है। वो मैं अब परसों करूँगा, फ्राइडे को करूँगा। सैटरडे मैं रिटर्न आ रहा हूँ, तो फ्राइडे को मैं ग्लो गार्डन करूँगा और दुबई फ्रेम करूँगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और वैसे तो दुबई में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्ट करना पड़ रहा है मुझे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली भी वो चीज़ देखे। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, जैसे हम JBR गए और बहुत सारी जगह दिखाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मतलब दुबई आओ तो ये छोड़ना ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसी वाली बात है कि आप वाटर पार्क नहीं गए वो चल जाएगा, क्योंकि वाटर पार्क हर जगह रहता है, एम्यूज़मेंट पार्क हर जगह रहता है। ज़रूर यहाँ कुछ अलग थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आइकॉनिक चीज़ें होती हैं, वो नहीं छोड़ना है। तो दुबई का JBR जो मैं ले गया, बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया था, और जो जो दिखाया मैं आपको वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार तो देखते बनता है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये शाम का टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, हम दुबई मॉल जा रहे हैं जो मेरे नेक्स्ट स्टेशन में है। मतलब ये मैं फाइनेंशियल मेट्रो में रुका हूँ जो सामने है, आपको दिखाया हूँ पहले, और जस्ट उसके बाद वाला है बुर्ज खलीफा का मेट्रो स्टेशन। बट मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, अराउंड 13 से 15 धीरम लगेगा। रात को अभी मैं आपको दिखाऊंगा फाउंटेन, जो रात की लाइटिंग होती है ना फाउंटेन की, इतनी खूबसूरत होती है। दिन की तो मैं ऑलरेडी दिखा दिया हूँ आपको, अब रात की देखिए। तो चलिए अब चलते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं और बारिश करवा दिया, ये आर्टिफिशियल बारिश हुई है यहाँ पे, ये मौसम यहाँ का बारिश का नहीं है। वैसे बारिश होती है साल में 10 बार नेचुरल, ये देखो ये बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। सो गाइज अभी मैं टैक्सी में बैठा हुआ हूँ, और ये हम लक्की हैं जो इस तरह का वेदर मिल रहा है हमको, बहुत ही बढ़िया। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई की रोड में मैं चल रहा हूँ, मुंबई जैसा ही फीलिंग आ रहा है अभी इतनी बारिश। बट ये बारिश लकली हो गई जिससे वेदर बहुत ठंडा हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छी बात है। तो गाइज हम आ चुके हैं बुर्ज खलीफा, और अभी नाइट का फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे है बुर्ज खलीफा, ये कैसा शाइन कर रहा है। बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, ठंडा हो चुका है, और अब चालू होने वाला है थोड़ी ही देर में फाउंटेन। देख रहे हो कितना क्राउड है। सो गाइज स्टार्ट होने वाला है, वाह सुपर्ब।
फिनिश। सो गाइस ये था सुपर शो दुबई फाउंटेन का जो फैंटास्टिक था सुपर। सो ये है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। सो गाइस अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन अभी इस लम्हे का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर हमने लिया मॉल से आने के लिए और भाई ने दे दिया हमको अच्छा लम्बा। मैं बुर्ज खलीफा जा चुका हूँ 2 बार, जाने का 13 दिरहम लगा था मेरे होटल से, आने का मेरे को 15 दिरहम लगा था और अब बिल दिखा रहा हूँ मैं, अब बिल 22 हुआ है, अभी तक होटल नहीं आई है। तो आओ ना तो थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि क्या है कुछ लोग आपको अच्छा बना देंगे। हम सोचते हैं भरोसा करो, आदमी हमको सोचते हैं टूरिस्ट है तो अब इसको ले लो लपेट लो, बनाया ये गलत किया है, गलत है तो गलत है, तो ये ध्यान रखना। कहाँ के ड्राइवर हो तुम, किधर से हो? इधर से ही। इधर से तो नहीं हो तुम, पाकिस्तान से होंगे। भाई ने बनाया हमारे को। उधर आगे जाओ। हमारे को होटल ही उतारो, हम होटल जाएंगे, क्यों उतरेंगे कहीं भी। अभी 23 दिरहम बन गया। सो हे गाइस आगे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरा मूड खराब हो चुका था। ड्राइवर ने क्लियर धोखा दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी बुर्ज खलीफा जा चुका था, आना जाना का पता था मुझे, 12 धीराम से 15 धीराम तक लग सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसने क्लियरली हमको बेवकूफ़ बनाया और लॉन्ग रास्ते से लाया जहाँ पे हमारा 28 धीराम का बिल बना, जहाँ पे 1 धीराम की वैल्यू 22.5 रुपये होती है, तो किसी का भी मूड ख़राब होगा यार बिल डबल बन रहा है। तो उसने तो क्लियर धोखा दिया, तो ये मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और गाइस कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रिप में जाते हैं थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, मैं ध्यान ऑलरेडी देता हूं पर अपन कितना भी ध्यान दें कुछ लोग ऐसे रहते ही हैं जो हमको सोचते हैं कि इनको चलो बेवकूफ़ बनाते हैं, और पर क्या कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम ध्यान दें लेकिन कुछ लोग के हम चपेट में आ जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि मैं ये ड्राइवर ने अच्छे से बेवकूफ़ बनाया और अच्छे से हमारा बिल फाड़ा, पर कोई बात नहीं, ठीक है जो हुआ हुआ। आप लोग ध्यान रखिए कभी इंटरनेशनल ट्रिप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए सब चीज़ों का। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, होप सो वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड टेक केयर।